जेडीयू के बाद ये हम पार्टी है, जीतन राम मांझी के बेटे हैं जो शपथ ले रहे हैं। मेरी जानकारी में जीतन राम मांझी के बेटे हैं, ये MLC हैं, ये शपथ ले रहे हैं। बीजेपी का कोई नेता संतोष सुमन बीजेपी का कोई नेता, नेताओं ने शपथ नहीं ली है, मंत्री पद नहीं, दो उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है। अब क्या बाकी आज शपथ नहीं लेंगे क्या? आप मेरे दिमाग में ये कुल बुलाहट है। मुझे ये बताया गया था कि 5 उनकी तरफ से शपथ लेने वाले हैं। क्या अभी से कुछ मतभेद उभर गया है क्या? नहीं, ये बीजेपी का अंदर का हो सकता है कि वो साधना चाहते हैं क्या, ये मैं सिर्फ कयास लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक बीजेपी के लोगों ने शपथ नहीं ली है और जेडीयू के तमाम मंत्रियों ने शपथ ले ली और उसके बाद हम पार्टी की तरफ से एक विधायक उनका शपथ ले रहा है। कायदे से बीजेपी को शपथ लेना चाहिए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कोई लास्ट मिनट चेंज हुआ है क्या? जो जानकारी हम लोगों के पास थी कि 5-5 दोनों दल से मंत्री बनने वाले हैं, क्या वो मंत्री नहीं बन रहे हैं क्या? नेक्स्ट जो विस्तार होगा उसमें नया कुछ करने की कोशिश होगी। अभी तक, फिर से आपको बता दें, अभी तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। बीजेपी के कोटे से 2 मंत्री शपथ ले चुके हैं, जिनमें तारकेश प्रसाद हैं और इसके अलावा तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, ये दोनों खबर है कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी के कोटे से किसी और मंत्री ने अब तक शपथ नहीं ली है। जेडीयू के कोटे से 4 मंत्री शपथ ले चुके हैं, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, शीला मंडल, मेवालाल चौधरी, 5 मंत्री अब सीधे शपथ लेने आ गए हैं। संतोष सुमन, जो कि पूर्व CM जीतन राम मांझी के बेटे हैं, ये हम पार्टी के कोटे से, जो उन्हें एक मंत्री पद मिला है, उसकी शपथ ले रहे हैं। विधान परिषद के सदस्य हैं ये। इसके साथ जो बीजेपी के सहयोगी हैं, हम और VIP, उनमें से हम का कोटा हुआ पूरा, अब बचा VIP, उसमें से मुकेश साहनी खुद शपथ लेंगे मंत्री पद की। VIP के प्रमुख हैं, VIP पार्टी के, हालांकि खुद अपना चुनाव हार गए थे, विधानसभा चुनाव, मुकेश सहनी। और याद करिए, इनको सन ऑफ मल्ला भी कहा जाता है। 11 सीटें दे दी थी इस बार बीजेपी ने इनको विधानसभा चुनाव में, हर कोई हैरान था उससे। आपको नहीं दी, बताइए बात। LJP को दे देते अगर थोड़ी और सीटें, तो सीटें भी दी और कैंडिडेट्स भी दिए थे। हाँ। नहीं, पर संदेश तो गया ये इससे कि छोटी पार्टियों को अगर इग्नोर करेंगे तो क्या हो सकता है, ये संदेश भी लेना चाहिए। हाँ। इस चुनाव से किसको देना चाहते संदेश आप? ये इन्हीं बड़े बड़े मुकेश सैनी आ गए, बड़ी पार्टियों, मुकेश सैनी आ गए। इसका मतलब बीजेपी के कोटे के मंत्री शपथ लेंगे या नहीं आज, 2 उप मुख्यमंत्रियों के अलावा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। आपको हैरानी हुई थी जब 11 सीटें दे दी थी सैनी को, आज मंत्री बन रहे हो? जब आपको हो रही तो हमको क्यों नहीं होगी? नहीं, एक बात बताइए, हम सबसे विश्वसनीय उनके पार्टनर है, पुराने पार्टनर। सीट मांग रहे थे? नहीं, हम मांग रहे थे, मांग के तो टेबल में बैठ के नेगोशिएट हो सकती थी, हुई लेकिन नहीं। जब ऐसा ऑफर हमको दिया जो सोचा भी नहीं जा सकता, तो हमारे पास ऑप्शन क्या थे? हमने कहा चलो अकेले बता दीजिए आज क्या क्या ऑफर सीटें दे रहे थे। 15 सीटों की ऑफर थी, बता रहा हूँ। अमित शाह तो कह रहे थे, कोई हाइडन सीक नहीं है, तो बताया था कि हमने जितनी सीटें दी थी, नहीं हमने बता दिया, चुनाव खत्म हो गया, हमने बता दिया कि 15 सीटें ऑफर हुई थी। वो कह रहे थे ओवर एम्बिशियस हो गए। नहीं नहीं, 15 सीटें उन्होंने ऑफर की, हमने 42 मांगी थी, लेकिन बात तो करोगे? हाँ, तो 42 ओवर एम्बिशियस था। जब 15 आपने ऑफर कर दी तो बात कैसे होगी? देखिए, ये चीजें सब खुल जाती है और खोली भी जानी चाहिए, क्योंकि संदेश भी देना है कि बड़ी पार्टियां अगर अपनी एक तरीके से आधिपत्य दिखाएंगी तो उसका क्या नतीजा निकलता है, ये भी सब। क्या वैसे 15 तो कम था थोड़ा वाजपेयी? 6 सांसद हैं हमारे, वही 6 सांसद हैं लोकसभा में, जब 6 सीटें दे सकते हैं आपको, लेकिन देखिए आपका स्ट्राइक रेट कितना था लोकसभा में, 6-6 आप जीते थे। हमारे को दिक्कत ये नहीं, 6 लड़े थे ना लोकसभा में, 6-6 जीते थे। हाँ, ये तो 100% स्ट्राइक रेट लोकसभा में, उसके बावजूद आपको 15 सीट दे रहे थे। ओके, अब नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।